हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। इसके लिए हमने 1 कप साबूदाने को भिगोया था 4 से 5 घंटे। देख सकते हैं बिल्कुल आराम से हाथ से मसले जा रहे हैं, इनमें कोई गुठलियाँ नहीं है। तो उसको 5 से 6 घंटे भिगोइएगा अच्छे से। 1 कप भिगोया था, डबल हो जाएगा, फूल के 2 कप हो जाएगा। इसी के साथ 1/2 कप हमने मूंगफली ली, कच्ची मूंगफली, 1 लेमन, 3 से 4 हरी मिर्च मैंने स्लाइस कर ली है, और 15 से 20 कड़ी लीफ, 1 कप हमने आलू छोटा छोटा काट लिया है अच्छे से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं, अप्रॉक्स 3 टेबल स्पून। तेल में जीरा डाल देते हैं, अप्रॉक्स 1 टीस्पून। जीरे के साथ हमने इसमें आलू डाल दिया है, आलू और अपना हरी मिर्च, करी लीफ। इसको आलू को पकने देते हैं अच्छे से, 4 से 5 मिनटों में ये आलू थोड़ा पक जाएगा। अब हम इसमें ये मूंगफली डाल देते हैं। आलू थोड़ा पक गए हैं, फिर से चलाते हैं 3-4 मिनट। लीव मैंने अभी इसमें लोही रखी है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, स्वाद अनुसार डाल के उसको चलाते हैं अभी। आप व्रत के लिए बना रहे हों खिचड़ी तो आप ये धनिया अवॉइड कर सकते हैं, धनिया की फ्रेश लीफ डाल दीजिएगा। इसको चलाते हैं अभी 2 मिनट और। अब हमारे आलू काफी पक गए हैं अच्छे से। अब इसमें ये साबूदाना डालेंगे जो हमने भिगो के रखा हुआ था, इसको चलाएंगे। ये मैंने अभी लोही रखी है, बिल्कुल खुला खुला साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे हम। अब इसको 5 से 6 मिनट चलाएंगे हम। उसमें लेमन जूस भी डाल देते हैं। ये धीरे धीरे साबूदाना ट्रांसपेरेंट होने लगा, जो ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी आप भूनिए इसको, देखिए बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रहे हैं, कितना खिला खिला हमारा साबूदाना खिचड़ी बन रहा है। ये हमारी साबूदाना खिचड़ी देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी हो गई है बिल्कुल। इसको ढक के पकाइएगा अगर आपको लगे कि टाइम लग रहा है। अब ये बन गई है, फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसको 10 मिनट 15 मिनट के रख लेते हैं। इसको ढक देते हैं अच्छे से, ताकि अगर जरा सा भी कहीं पे होगा कच्चापन तो वो। इसको 15 मिनट के लिए ढक देते हैं, इसके बाद फिर हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए गाइस, हमारी साबूदाना खिचड़ी बन गई है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप भी बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।